ಯು ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಡರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅನೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಅನೂಪ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಹುಂಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಕೈಸಾ ಲಗ್ ರಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಕಿತ್ನಾ ಬಡ್ ಗಯಾ ಆಪ್ಕಾ? ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ ಬಹುತ್ ಖುಷಿ ಹೋ ರಹೀ ಹಮೇ ತೋ. ಕ್ರೌಡ್ ಇತನಾ ಜ್ಯಾದಾ ಹೈ ಕಿ ಉಸಿ ಕಿ ವಜಹ ಸೇ ಮೇರೆ ಖ್ಯಾಲ್ ಸೇ ಇತನಾ ಜ್ಯಾದಾ ಉಪರ್ ಹೋ ಗಯೀ ಕಬಡ್ಡಿ. ಔರ್ ಮೈ ತೋ ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ ಖುಷಿ ಹೂಂ ಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೀಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹುವಾ ಔರ್ ಉಸ್ಮೇ ಮೈ ಖೇಲ್ ರಹಾ ಹೂಂ ಔರ್ ಮೇರಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಿ ಕಾಫಿ ಅಚ್ಛಾ ಹೈ ತೋ ಮೈ ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ ಖುಷಿ ಹೂಂ. तो आप रेडिंग में क्या सोच कर जाते हैं? बोनस तो लाते ही लाते, बस ऐसा कुछ कर देते, टैकल बहुत बढ़िया खेलते हैं, क्या है मन में वो चलता रहता है? मन में कुछ नहीं, बस एक ही बात रहती है कि अपनी टीम को जिताना है कैसे ना कैसे करके. तो मैं थोड़ा कूल माइंड करके खेलता हूँ, धीरे धीरे मैच को अपनी तरफ लेने की कोशिश करता हूँ और भगवान मेरा साथ देता है, मैं तकरीबन सक्सेस ही होता हूँ. क्या ऐसा क्या स्किल है आपके पास? आप जब भी मैं देखता हूँ बढ़िया डिफेंडर रहता है अपोजिट टीम में, फिर भी आप कुछ ऐसा टच करते हैं, कितना आसान से करते हैं. जब अनूप कुमार राइडिंग में जाता है तो ऐसा नहीं लगता है कि अनूप कुमार को पकड़ना नामुमकिन ही नहीं, नामुमकिन ऐसा है, क्या है? ऐसा तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा हार्डवर्क किया पहले, उसी की वजह से ये फिटनेस है मेरी. टोटच वगैरह थोड़ा अच्छा है मेरा, सभी को पता है इसके बारे में, थोड़ा बोनस भी अच्छा है, तो वही स्किल है मेरा, मैं वही करता हूँ और उसमें मैं तकरीबन सक्सेस होता हूँ, इसी वजह से पॉइंट आते हैं ज़्यादा. पूरे लीग में देखा तो कौन सा स्ट्रिंग टीम स्ट्रांग है जो आपको थोड़ा टफ हो सकता है? कैसा चल रहा है पूरा लीग? टीम तो सारी अच्छी है अभी तो, स्टार्टिंग में थोड़ा टीम था, बाद में कुछ प्लेयर चेंज हो गए टीमों में, एक एक दो दो, उसके बाद सभी टीमें अच्छी हैं. बाकी अभी बैलेंस टीम मेरे ख्याल से राजस्थान का बैलेंस टीम अच्छा है. आपकी टीम में कर्नाटक का प्लेयर्स है जो बढ़िया खेल रहे हैं, कर्नाटक जो रहता है शबीर बापू, जीवा और ऋषांग देवड़गा, सो कैसा लगता है कर्नाटक टीम के साथ खेलना? बहुत अच्छा लगता है, मैं तो उनके साथ पहले भी खेल चुका हूँ, ऐसी बात नहीं, हम नेशनल गेम में साथ ही रहते हैं, साथ खेलते हैं. बाकी अभी बेंगलोर में जो अभी हमारे मैचेस थे, कल जो मैच था, शबीर बापू थोड़ा इंजर्ड है, उसको मैंने थोड़ा डाल के ट्राई करके देखा कि आगे सेमी में खिलाएंगे, तो उसकी वजह से उसको डाला. बाकी अगर वो फिट होता है, यहाँ खेलता तो पब्लिक का और ज़्यादा सपोर्ट मिलता हमें, ऑडियंस का, और मेरे ख्याल से और वन साइड जीतते हैं मैच को. मुंबई में सेमीफाइनल फाइनल चल रहा है तो आपके पास कितना प्रेशर है, जीतना ही जीतना है होम ग्राउंड में? देखो प्रेशर तो रहेगा क्योंकि होम ग्राउंड हो गया, पब्लिक का सपोर्ट होगा हमारे साथ, और मेरे ख्याल से पब्लिक का सपोर्ट होने के साथ साथ ही हम जीत के मकाम तक पहुंचेंगे और कोशिश करेंगे पूरी पूरी अपनी टीम को जीत में बदलने की. ऑल द बेस्ट, बढ़िया हो. थैंक यू वेरी मच. ಇದು ಅನೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾತು. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಓವರ್ಆಲ್ ಆಗಿ ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು, ಫೈನಲ್ ಮುಂಬೈಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗೆಲ್ಲೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಜೊತೆ ರವಿ ಎಸ್, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.